ठीक है, शाबाश शाबाश, प्यार ना फेरी चाह शाबाश। लो जनाब गाइयों बेहते हैं जिजी हो जनाब हैं जी, ठीक है, थोड़ा जहा प्रेस करके, थोड़ा जहा प्रेस करके शाबाश, दबा के देखिए मेरे से पानी ना आवे। ये पीएच चेक करेंगे जी, अब देखना ये है कि डी कैट मैनेजमेंट जो की जा रही है वो कितना अपना असर दिखा रही है। ये मेरे पास पीएच मीटर मौजूद है और ये भाईजान जो है अभी हमारे लिए यूरिन कलेक्ट करके लाएंगे, पेशाब का नमूना आएगा, फिर हम देखेंगे हमारी जो जो भी हमारी डाइट है उसको हमने कैसे मैनेज करना है। काका जी इन्नी देर नंबर तेरे कटे जा रहे हैं, चोरी साहब नंबर कटे जा रहे हैं। ला जी जी दस दिन के अंदर अंदर तू यूरिन का सैंपल ले लिया, तो 2 किलो मिठाई मेरे तेरे नाम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 2 किलो मिठाई आप हार चुके हैं नाजरीन, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा ये गाय जो है ये बच्चा देने के नज़दीक है, इसकी डी कैट मैनेजमेंट की जाती है और आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें, ये इसका चौथा सुआ माशाल्लाह आना है। इसके हिवाने को अगर आप देखें तो इसमें आपको ख़ास भल भी नज़र नहीं आ रही और सेहत भी इसकी ठीक है। तो ये जो जानवर का बीसीएस है जिस सेहत पे ये खड़ी है आइडियल है मेरे हिसाब से, बच्चा देने के बिल्कुल पास खड़ी है। ये दिल करे आज रात आ जाए या कल को आ जाए या परसों आ जाए, कोई पता नहीं इसका, किसी भी टाइम ये बच्चा दे सकती है। तो हमारा काम ये ना थोड़ा सैड तो कर ले पुत्र, पेशाब सिरा सही नहीं आना, वो पानी पै रहा बेटे, थोड़ा इन्हों अगे पीछे कर ले, शाबाश 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 शाबाश, बस ठीक है इतने कर, बस इतने खिलार लैन, बस ठीक है ठीक है। अब इस ग्रुप में बैठे भी हैं जी, ये भी बच्चा देने वाली हैं। ये लास्ट ईयर हमने सितंबर में प्रोटोकॉल लगाया था, उसमें को हमारे पास को 20 के करीब जानवर जो थे वो प्रेग्नेंट डिक्लेयर हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जून में बच्चा दे रहे हैं। ये सारी बैठे हमारी घर की हैं। अब हमारे पास चूँकि अलहदा सेक्शन नहीं है इसलिए मजबूरी के तौर पर हमने डी कैड बच्चियों को भी खिला दी है, अदरवाइज बच्चियों को डी कैड करने की ज़रूरत नहीं होती। अभी ये आपको दिखाएंगे, ये आप लोग सुन रहे होंगे ये क्या मैं बार बार डी कैड कर रहा हूँ, बस ये आपको बताना चाहते हैं कि जानवर का जो यूरिन है, जो जानवर का पेशाब है, उसकी पीएच जो है वो 5.5 से 6.5 या अगर मैं बहुत प्रिसाइज करूँ तो 5.8 से 6.2 के बीच में हो तो समझें कि आपका जानवर जो है प्रॉपरली मैनेज हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि ये खुराक में कुछ चेंजेस हम करते हैं जिससे ये पीएच जो है ये चेंज हो जाती है। आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे एडवांटेज ये होगा कि जानवर जब बच्चा देगा तो उसके ब्लड में उसके खून में कैल्शियम की मकदार कम नहीं होती। उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो जानवर बच्चा फंसाता नहीं है, नंबर 2 जानवर जेर टाइम पे फेंक देता है, नंबर 3 जानवर जो है वो मैला टाइम पे गिराता है जिसको आप लोशिया बोलते हैं, ठीक है जी, नंबर 4 जानवर जो है उसकी बच्चे जानी जल्दी सुखड़ जाती है, नंबर 5 जानवर को सूतक नहीं होता, नंबर 6 जानवर को ये जो LDA वगैरह के मसाइल हैं RDA LDA ये मसाइल नहीं होते, नंबर 8 जानवर जल्दी से दूध पे आ जाता है, नंबर 9 जानवर बाद में जल्दी हीट साइन भी शो कर देता है, नंबर 10 जानवर की ओवरी फ्लैसिड नहीं होती, ओवेरियन रिजम्पशन जो है वो जल्दी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि 10 को फायदे काफ़ी हैं जी आज के लिए। चोरी साहब नहीं गल बनती पई, कोई और का ही परला ले ले, आप ले लें डॉक्टर साहब, आप ले लें नहीं चोरी साहब मसले मर्जी ताड़ी, चोरी साहब इतना ताबुन गाय कर रही है आपके साथ और आपसे यूरिन नहीं आ रहा यार, मर्जी है चोरी, तुम मेरे ख्याल गाड़ी मालिश करने तौर पर ही जनाब चोरी साहब ले जी, जो ब्लड सॉरी यूरिन सैंपल लिया जा रहा है, पीएच वो ब्लड की भी चेक की जा सकती है अगर आप यूरिन चेक करते हैं ना जी ब्लड की, वो चूंकि ब्लड लेना स्यापा है मुश्किल काम है, जानवर भी स्ट्रेस में आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारे पास पीछे से आई थी, वहाँ हमें लगता है ये शायद कहीं ये बीफ का को पीस हमारे पास आ गया, देखें ये क्या करती है। लो जी पुत्र पूंछ छड़ दे ले जी, जब भी यूरिन का सैंपल लेना है तो याद रखें ऐसे आप ना इसकी जो तेल है तुम है वो नहीं पकड़नी है आपने, उससे जानवर थोड़ा सा ना परेशान हो जाता है। अब हो सकता है कि जानवर जिसका यूरिन सैंपल लेने की कोशिश की जा रही है इसने पहले ही कोई तारा तारा पेशाब किया होगा, अदरवाइज इतने में जानवर पेशाब कर देता है। यार पुत्र गाय को होर लिया लागे, इतने गाय है ना और हैं
511 फड़ लिया फिर यार जी गाई होर लिया क्योंकि इन्हें इन्हें लगता कि काम कर दिता इतने रख दो चोई सब इतने रख दो ले जनाब ये डेयरी फार्म पे काम करने वालों के लिए ये एडवांटेज होता है कि खालिस दूध की खालिस चाय जो है हमें मिल जाती है अल्लाह के फजल से 2010 से जो है हम लोग खालिस दूध पी रहे हैं और ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है नेमतन शदीदन शदीदन हमारे यहाँ बेचारे लोगों को हम कहीं भी मेहमानों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जाके बहुत बड़ा मसला ये बनता है कि जो चाय मिलती है वो पसंद ही नहीं आती बड़ी मुश्किल से पीनी पड़ती है कुछ लोगों ने तो हमें चाय पूछनी छोड़ दी है वो बकरी गाय को लगाने लगे हैं बंकर चढ़ा रहा है बंकर चढ़ा रहे हो बंकर चढ़ा लो डॉक्टर साहब बच्चे का काट लो तो बच्चे रफ साहब कर नहीं शाबाश है भाई ले जी ये आपके सामने मामला भी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में देखी 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 बच गई ले जी अभी यूरिन सैंपल आ रहा है ये आपने ना रेंडमली कोई से दो तीन जानवरों का सैंपल करना होता है डॉक्टर साहब ने सुबह यहाँ पे बच्चियों का जो है ना सैंपल लिया है तो डॉक्टर साहब से मैंने दरख्वास्त की थी कि आप बच्चियों की बजाय ना आप यहाँ पे गायों का सैंपल लें क्योंकि गायियाँ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चियों में अगर आप डी गैड ना भी करें तो गुजारा हो जाता है कोई मसला नहीं है ये आप बच्चियाँ देखें माशाल्लाह ये डॉक्टर वकास साहब ने तैयार की हैं और बड़ी बेहतरीन तैयार हुई हैं माशाल्लाह अल्लाह नजरे पास से बचाए ले जी यूरिन सैंपल आ गया जिसने ताज़ा ताज़ा पेशाब किया हो ना वो पेशाब फिर नहीं देता ये अब इसने चूंकि अगले जानवर से डॉक्टर साहब यूरिन सैंपल ले आए हैं लो जी एन हूँ चेक कर लेने की हिसाब किताब है जी ये हमारे पास है जी पीएच चेक कर रहे पीएच मीटर डॉक्टर साहब लो जी छोड़ दो बेच अभी इसकी हम पीएच चेक करेंगे जी ले जी इसकी पीएच है जी 5.5 ले जी मैं एडवाइस ये करूंगा डॉक्टर साहब कितना डाल रहे हैं आप बायोक्लोर यूज कर रहे हैं 300 ग्राम डॉक्टर साहब इसको आप 250 ग्राम कर दें क्योंकि ये 5.5 पे खड़ा है ये थोड़ा सा अगर ऊपर ले जाएं इसको 6 तक तो हमें इसमें कोई इतराज नहीं है और आप खुराक कम कर लें डॉक्टर साहब आपके पैसे बच जाएंगे 5.5 बिल्कुल लोअर लिमिट पे है तो आप इसको थोड़ा सा इसकी खुराक को कम कर दें अगर आपकी ये वैल्यू 6.5 से ऊपर आ जाए तो फिर आपको ये 300 ग्राम से बायोक्लोर बढ़ाना पड़ेगा ले जना उम्मीद है कि काफी आपको ये फायदा हो चुका होगा ये डॉक्टर साहब कितने का लिया ये आपने पीएच मीटर जो है ₹2300 का है लेकिन ये बड़ी सिंपल सी मशीन है ₹2300 का है ये कुछ ना बड़ा लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है तो ये आपके सामने पीएच चेक हो चुकी है पेशाब की अब आप देख लें जानवर के हवाने में किसी किस्म की सोजिश नहीं है अडीमा जिसे कहते हैं ये भी ऐसी खड़ी है इंशाल्लाह ये टाइम पे बच्चा देंगी और दूध भी तगड़ा देंगी डॉक्टर साहब को और जेरे भी टाइम पे फेंक देंगी अल्लाह के हुक्म से डॉक्टर साहब तीसरा सुबह के चौथा है इनका तीसरा तो ये दोनों का तीसरा सुबह है और माशाल्लाह जो जानवर तैयार हुए हैं अल्लाह के हुक्म से जिंदगी रही थे मन मन दोते कि नहीं इंशाल्लाह ऊपर ही गिरनी है गर्मी का मौसम है इसलिए अदरवाइज सर्दी में ये 50+ की कैपेसिटी रखती हैं लो जी मोहित बहुत शुक्रिया आपका आपने हमारे लिए टाइम निकाला है जी आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें 5 वक्त की नमाज अदा करें अस्सलाम वालेकुम।